ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर आपको बता दें, खतरनाक हुई हरियाणा की हवा। बड़ी जानकारी, बढ़ते प्रदूषण से लोगों को सांस लेने में परेशानी। पानीपत में मरीजों की संख्या बढ़ी है और ऐसे में पानीपत में वायरल बुखार के मरीज भी बड़े हैं। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, खतरनाक हुई हरियाणा की हवा और ऐसे में बढ़ते प्रदूषण से लोगों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और पानीपत में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है और पानीपत में वायरल बुखार के मरीज लगातार बढ़े हैं। और वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर दिवेंद्र कथुरिया जी जुड़ चुके हैं। दिवेंद्र जी, लगातार दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर तो बढ़ ही रहा था और अब अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी खतरनाक हवा हो गई है और ऐसे में लोगों को सांस लेने में काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर पानीपत जिले की बात की जाए तो मरीजों की संख्या में काफी ज्यादा इजाफा देखने को मिल रहा है। पिछले कई दिनों से खासतौर पे जो वो जिले जो दिल्ली से सटे हुए हैं, दिल्ली एनसीआर के जिले हैं, टोटल 22 जिले हैं, उसमें 14 दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में पड़ते हैं, जैसे सोनीपत, पानीपत, करनाल, जींद, भिवानी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, मेवात, रोहतक, ये सारे वो जिले जो दिल्ली से सटे। चूंकि दिल्ली का वातावरण खराब है, एक ही हुआ बहुत बिगड़ चुका है और हरियाणा के कई शहरों में 300 के पार है। हालांकि कुछ स्थिति सुधरी है, अब थोड़ा सा हवा चलने से थोड़ा सा फर्क पड़ा है, लेकिन अभी भी स्थिति खराब है प्रदूषण की, जिस वजह से लोगों के गले में जलन हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है और दूसरा वायरल बुखार लगातार हो रहा है, क्योंकि मौसम का बदलाव हो रहा है और दूसरा प्रदूषण, ये दोहरी मार पड़ रही है। हम धीरे धीरे अब गर्मी की से सर्दी की ओर बढ़ रहे हैं, तापमान ऊपर नीचे होता है और दूसरा प्रदूषण, हवा में जहर घुला हुआ है, इस वजह से परेशानियां बढ़ गई हैं। पानीपत जिला अस्पताल में अभी तक 1100-1200 की ओपीडी थी, जो अभी से 1.5 गुना हो गई है। 500-600 मरीज रोजाना बढ़ रहे हैं और इतनी भीड़ होने लगी है कि पर्ची बनाने में दिक्कत हो रही है, लोग डॉक्टर उनको अटेंड कैसे करें। हॉस्पिटल में आपको पता है डॉक्टर्स और दवाइयों के भी दिक्कत रहती है अक्सर, लेकिन मरीज ज्यादा होने से थोड़ा सा मतलब घबराहट से बड़ी है। स्वास्थ्य विभाग के काम बढ़ा हुआ है और उल्टी दस्त, वायरल बुखार और एलर्जी, क्योंकि हवा में जहर घुला हुआ है, केमिकल है या इंडस्ट्री में केमिकल यूज होते हैं, तो उससे स्किन में एलर्जी हो रही है लोगों को। एलर्जी के मरीज भी बहुत आ रहे हैं, डॉक्टरों का कहना है कि इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि सभी मरीजों को उनको देखभाल की जा सके, उनका इलाज, जो एडमिट होने हैं उनके भी, लेकिन परेशानी है स्वास्थ्य विभाग की बढ़ गई है क्योंकि एकदम मरीज बढ़ गए हैं। तो प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी भीड़ है, वहां भी लोग इलाज करवा रहे हैं, उनको पता है सरकारी अस्पताल में दिक्कतें ज्यादा रहती है, लंबी लाइन है, पर्ची बनवाने में 3-4 घंटे लगते हैं, उसके बाद डॉक्टर, फिर समय खत्म हो जाता है, फिर अगले दिन आना पड़ता है, बहुत सारी परेशानी है। तो कुल मिला के हर जो घर में, मतलब आप ये मान के चलिए हर घर में, परिवारों में चौथा व्यक्ति मरीज से, एलर्जी से, खांसी जुकाम से पीड़ित है, गले की समस्या भी हो रही है और डेंगू के मामले भी बढ़े हैं, डेंगू भी चिंताजनक स्थिति में। हालांकि जिसको बुखार होता है थोड़ा सा दहशत पहले से बढ़ी हुई है कि कहीं डेंगू ना हो जाए, डेंगू का टेस्ट भी करवाते हैं, कुछ लोगों का कंफर्म भी हो रहा है डेंगू, तो एक साथ कई बीमारियां अपनी चपेट में ले रही है और लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है क्योंकि हवा की तासीर खराब हो गई है। जी देवेंद्र कथुरिया जी, अगर बात की जाए तो लगातार मरीजों की संख्या में तो इजाफा हो ही रहा है, अगर बात की जाए विजिबिलिटी की तो विजिबिलिटी पर कितना ज्यादा असर देखने को मिल रहा है? देखिए एक आई की स्थिति पानीपत में भी पिछले कई दिनों से, हालांकि रिकॉर्ड कम की जा रही है, 180 की जा रही है, लेकिन मशीन में भी शायद कुछ लोग ये आरोप भी लगा रहे कि सीपीपीबी है जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उसके जो आंकड़े हैं और जो प्राइवेट एजेंसी भी अभी इस क्षेत्र में काम करी है, जो प्रदूषण के कारकों को उनका अध्ययन करती है, तो ये कहा जा रहा है कि कुछ पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड लेवल पे भी थोड़ा सा शायद मैनिपुलेशन, शायद इस तरह की बातें हो रही है कि एक्यूआई की स्थिति खराब ज्यादा है, लेकिन उसको कम करके दिखाई जा रही है ताकि इंडस्ट्री पर उसका बुरा असर ना पड़े। और सीपीसीबी कहते हैं सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उसके जो आंकड़े हैं वो प्राइवेट एजेंसियों के आंकड़ों से मेल नहीं खा रहे, प्राइवेट एजेंसियां ज्यादा दिखा रही है स्थिति की वायु की गुणवत्ता खराब है, जबकि सरकारी आंकड़े उतने नहीं दिखा रहे, शायद यही वजह है कि कई इंडस्ट्री को
प्रभावित ना होना पड़े, क्योंकि नया साल नजदीक है। यहाँ पे पानीपत में ऑर्डर्स होते हैं, बाहर एक्सपोर्ट होता है सामान प्रोडक्ट, नया साल आने वाला है तो उनको ऑर्डर्स पूरे करने होते हैं। और इंटरनेशनल बिजनेस में क्या होता है, इंटरनेशनल बिजनेस में सोनिया ये होता है कि आपकी डिलीवरी लेट होगी तो ऑर्डर कैंसिल हो जाता है, बहुत ज्यादा नुकसान होता है व्यापार में। तो टाइमली डिलीवरी हो, इस वजह से कोशिश की जा रही है कि प्रदूषण का असर कम से कम इंडस्ट्री पर हो। जी, देवेंद्र कथुरिया जी, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।